नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल एस्ट्रोलॉजी नरेश। आज का प्रेडिक्शन है नक्षत्र ज्योतिष के बारे में। तो भला नक्षत्र ज्योतिष क्या वैदिक ज्योतिष से अलग है? एस्ट्रोलॉजी एंड नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी आर दे डिफरेंट? कई लोगों के मन में यही सवाल होता है कि नक्षत्र ज्योतिष अलग है और जो वास्तव में जो ज्योतिष है वो अलग है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। नक्षत्र ज्योतिष ज्योतिष का ही पार्ट है, बल्कि जो ज्योतिष है वो नक्षत्र के ऊपर बेस्ड है। जो नक्षत्र है उसके आधारित ये ज्योतिषीय गणना होती है। 12 राशियां जो होती है ये 27 नक्षत्र को इंक्लूड करती हैं, अपने अंदर समा लेती हैं। तो एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र होते हैं, प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो अश्विनी भरणी कृतिका का प्रथम चरण ऐसे मिलके मेष राशि बनती है, और जो लास्ट मीन राशि है ये पूर्व भाद्रपद का चौथा चरण, उत्तर भाद्रपद और रेवती, ऐसे 2.25 नक्षत्र से लास्ट मीन राशि बनती है। तो नक्षत्र जो है ये राशि के अंदर समाविष्ट होते हैं, और जो ग्रह फल देते हैं फ्रेंड्स, ये कौन से नक्षत्र में है, नक्षत्र की योनि कौन सी है, इसके ऊपर बहुत आधारित होता है इसका फल देना। तो आज आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझाएंगे कि नक्षत्र ज्योतिष कोई अलग ज्योतिष नहीं है, लेकिन बल्कि ये बहुत एक्यूरेट प्रिडिक्शन है, परफेक्ट प्रिडिक्शन है ज्योतिष का। तो आज एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं कि सूर्य रेवती नक्षत्र में कैसा फल देंगे, आने वाली नेक्स्ट ट्रांजिट सूर्य इन रेवती नक्षत्र। तो सूर्य का जो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में भ्रमण आज सुबह में शुरू हो चुका है। आज तारीख 18 है, सुबह 8:39 यानी कि 8:39 को सुबह में इंडिया टाइम पर सूर्य उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में भ्रमण शुरू कर चुके हैं, और जो 31 मार्च 2022 तक रहने वाला है इसका ऑलरेडी प्रेडिक्शन हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। और ये प्रेडिक्शन है आज का नेक्स्ट ट्रांजिट सूर्य का 31 मार्च को शाम को 7:27 को सूर्य रेवती नक्षत्र में भ्रमण स्टार्ट करेंगे। जो ट्रांजिट रहेगी 14 अप्रैल 2022 तक सुबह 8:43 तक, 8:43 AM तक। फिर सूर्य चलेंगे मेष राशि के अंदर अश्विनी नक्षत्र में 14 अप्रैल को सुबह 8:43 को। तो अभी सूर्य मीन राशि के अंदर है और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में है, और नेक्स्ट ट्रांजिट सूर्य का जो है वो रेवती नक्षत्र में होने वाला है। राशि एक ही है लेकिन नक्षत्र बदलने के कारण फल बदल जाएंगे। तो उत्तर भाद्रपद जो नक्षत्र है इसके नक्षत्र मालिक शनि है, और जो नेक्स्ट ट्रांजिट है सूर्य की रेवती नक्षत्र की उसके नक्षत्र मालिक बुध है। उत्तर भाद्रपद की योनि गौ है, गौ माने गाय, और जो नेक्स्ट ट्रांजिट में चलने वाले हैं सूर्य रेवती नक्षत्र में इनकी योनि होगी गज, गज माने हाथी। तो इसका भी एक फल अलग होगा। तो उत्तर भाद्रपद का तो प्रेडिक्शन ऑलरेडी चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं चैनल के ऊपर जाकर। और अभी स्टार्ट करते हैं 31 मार्च को जो स्टार्ट होने वाला ट्रांजिट है, शाम को 7:27 को रेवती नक्षत्र में सूर्य, जो 14 अप्रैल तक चलने वाले हैं। आइए जानते हैं हम सबको ये कैसा फल देने वाले होंगे। सूर्य का प्रेडिक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि वैसे तो सब ग्रह का प्रेडिक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रेडिक्शन है वो सूर्य का है, क्योंकि ग्रह मंडल के मेन ग्रह है जिसकी एनर्जी के कारण ही हमारा पृथ्वी के ऊपर
जनजीवन का अस्तित्व है। आपका हमारा पृथ्वी के ऊपर वनस्पति जितने भी सजीव है, छोटे बड़े जीव है, ये सब का अस्तित्व सूर्य ग्रह के अधीन है। तो सूर्य ग्रह के बिना पृथ्वी की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे सूर्य ग्रह रेवती नक्षत्र में मीन राशि के अंदर, आइए जानते हैं। पहले मेष राशि से बात करते हैं। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए जो ये ट्रांजिट है सूर्य का, अभी भी 12वें स्थान में है, नेक्स्ट ट्रांजिट भी 12वें स्थान के अंदर ही होगा, लेकिन नक्षत्र से फल बदल जाएगा। अश्विनी नक्षत्र वाले जातकों के लिए सूर्य अति मित्र नक्षत्र में चलेंगे, तो ये इतना खराब इफेक्ट करने वाले नहीं होंगे, क्योंकि जो आपका परम मित्र है ये आपका इतना अशुभ नहीं कर सकता है। तो भरणी वाले जातकों के लिए ये मित्र तारा है, मित्र भी जो होता है वो भी आपका इतना बुरा नहीं करता है, लेकिन कृतिका के अंदर जिसका जन्म है सूर्य के नक्षत्र में, ये जातकों के लिए सूर्य वध नक्षत्र में चलेंगे। तो यदि आपका कुछ कोर्ट कचहरी गवर्नमेंट के अगेंस्ट आपका काम चल रहा है तो आपको भारी लॉसेस आने की संभावना रहेगी मेष राशि में जिनका जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ है। वृषभ कृतिका के लिए भला फल क्या होगा, सूर्य 11वें स्थान के अंदर होंगे लेकिन वध नक्षत्र में है, तो वध तारा जो है वो शुभ फल देने वाला नहीं है, जिसके कारण खास करके जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके संतान हैं, आपके संतानों के भी जो इन लोग, आपके संतानों के जो भी पार्टनर हैं, आपके संतान यदि विवाहित है तो उनकी पति, उनकी पत्नी या उनका पति, उनकी ओर से भी आपको कुछ टेंशन स्ट्रेस आ सकता है। तो रोहिणी के लिए फल क्या होगा, वृषभ रोहिणी के लिए ये एक्सीलेंट फल देने वाले हैं, आपके बड़े बड़े काम होने की पावरफुल प्रोबेबिलिटी बन रही है, क्योंकि लाभस स्थान के अंदर सूर्य गज योनि के अंदर, गज माने हाथी, हाथी की योनि के अंदर आपको बहुत बड़ा लाभ देने की एक पावरफुल प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं। जिनका भी जन्म का सूर्य रोहिणी है या जिनका जन्म का चंद्र रोहिणी है, ये दोनों जातकों के लिए एक्सीलेंट ट्रांजिट रहने वाली है आने वाले 13 दिन की। 14 अप्रैल तक, 31 मार्च से 14 अप्रैल तक ये सूर्य एक नक्षत्र के अंदर 13 दिन रहते हैं। तो ये रेवती की ट्रांजिट एक्सीलेंट सक्सेस जोन है आपके लिए, तमाम रोहिणी वाले जातकों के लिए। तो मृग शिरा के लिए फल क्या होगा, मृग शिरा के लिए प्रत्यय है, यानी कि ऑपोजिशन है आपके मित्रों के साथ या तो आपके संतानों के साथ। तो देख रहे हैं कि आपका और गुच्छो ट्रांजिट का नक्षत्र बदलने के कारण फल बदल जाते हैं। तो आइए जानते हैं मिथुन मृगशिरा के लिए फल क्या होगा। सूर्य 10वें स्थान के अंदर प्रत्यय नक्षत्र में होने के कारण फादर के साथ प्रबल ओपोजिशन होने की पावरफुल प्रोबेबिलिटी बन रही है। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में भी अपर लेवल के साथ संघर्ष झगड़ा ना हो उसका केयर करना होगा। और मिथुन आद्रा के लिए ये सेम तारा है, तो आपके लिए बहुत शुभ फल है, आपके कारोबार में बिजनेस में इम्प्रूवमेंट करने वाला है। मिथुन पुनर्वसु के लिए ये विपत नक्षत्र होगा, तो प्रोग्रेस तो होगा लेकिन टेंशन के साथ होगा। कर्क पुनर्वसु के लिए ट्रांजिट 9वें स्थान के अंदर है, तो भाग्य में वृद्धि होने वाली है लेकिन यात्रा प्रवास के अंदर आपको ट्रैवलिंग में डिस्टर्बेंस आ सकता है। तो पुष्य के लिए फल क्या होगा, पुष्य नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है ये जातकों के लिए ट्रांजिट एक्सट्रीमली शुभ फल देने वाली होगी, क्योंकि आपके लिए जो सूर्य है आपके संपत नक्षत्र में भाग्य स्थान में चमकने वाले हैं, तो आपका भाग्य का चमकाने वाले हैं। आश्लेषा के लिए भी जन्म तारा है, तो जन्म तारा हमेशा शुभ फल देता है, आपके लिए भी ट्रांजिट एक्सीलेंट फल देने वाली होगी। और बात करेंगे सिंह राशि वाले जातकों के लिए, ट्रांजिट सूर्य 8वें स्थान में है, 8वें स्थान में सूर्य का फल शुभ नहीं है, आपको मृत्यु समान कष्ट मिलने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो पारिवारिक मामलों में, इन लॉस के साथ, सबके साथ आपको रिलेशनशिप में तनाव ना बढ़े उसका केयर करना होगा।
गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर में, अपने हेल्थ के बारे में, और हेल्थ में भी खास करके आपको अपने आँखों के बारे में विशेष केयर करना होगा। मघा के लिए ये रेवती का जो ट्रांडिट है अति मित्र नक्षत्र होगा, पूर्व फाल्गुनी के लिए मित्र तारा होगा, लेकिन उत्तर फाल्गुनी में जिनका जन्म हुआ है इनके लिए वध नक्षत्र में होंगे, तो आठवें स्थान में वध नक्षत्र में सूर्य मृत्यु तुल्य कष्ट आपको दे सकता है। तो सिंह राशि में उत्तरा फाल्गुनी में जन्मे हुए जातकों को विशेष केयरफुल रहना होगा, आपको वाणी व्यवहार में भी बहुत केयरफुल रहना होगा, अन्यथा परिवार के अंदर बहुत झमेला क्रिएट हो सकता है। अशुभत्व के निवारण के लिए क्या करना है, रेवती नक्षत्र की शांति के लिए आपको हाथी को हरा वाला घास खिलाना है, या तो कुछ फ्रूट खिला सकते हो, केला है, एप्पल है, द्राक्ष है, ग्रेप्स है। यदि आपके आसपास में कहीं हाथी अवेलेबल नहीं है, आपके कोई ऐसी जगह पर रहते हैं वहां पर हाथी अवेलेबल नहीं है, तो आप गाय को भी हरा वाला मूंग, सफेद तिल और गुड़ मिक्स करके खिला सकते हो। कन्या उत्तरा फाल्गुनी के लिए प्रॉब्लम आएगा कहाँ से, आपके पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन में आपका गड़बड़ हो सकता है। हस्त वाले जातकों के लिए एक्सीलेंट सक्सेस है, पब्लिक लाइफ के अंदर मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाले हैं। और कन्या चित्रा के लिए यही ट्रांजिट प्रत्यारी नक्षत्र है, ऑपोजिशन में है अपने पार्टनर के साथ। तुला चित्रा के लिए ट्रांजिट सिक्स हाउस के अंदर होंगे, तो आपके शत्रु विजय करवाने वाले बनते हैं, लेकिन मामा मौसी के साथ आपका, या तो आपके मैटरनल साइड के साथ आपका ऑपोजिशन हो सकता है। तुला स्वाति के लिए एक सैम तारा है, तो आपके लिए एक्सीलेंट एक्सीलेंट फल होगा। तुला विशाखा के लिए विपत नक्षत्र है, तो आपके लिए भी आपके कॉम्पिटिटर्स जो है वो आपके लिए कुछ गड़बड़ क्रिएट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम के कारण आपको कुछ टेंशन आ सकती है। तो वृश्चिक विशाखा के लिए पांचवें स्थान के अंदर है, शेयर सट्टा लॉटरी करने वाले जातकों के लिए बहुत केयरफुल रहना होगा। अनुराधा वाले जातकों के लिए ग्रांड सक्सेस है, आपको कुछ जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। पूर्व जन्म के पुण्य कर्म, या तो इस जन्म में भी आपने कुछ पुण्य कर्म किया है, तो आपको कुछ बड़ा गेन होने की पावरफुल प्रोबेबिलिटी बनने वाली है 14 अप्रैल से पहले। ज्येष्ठा के लिए भी बहुत सुंदर फल है, पांचवें स्थान में पुण्य जन्म को, पूर्व जन्म के या तो इस जन्म के पुण्य कर्म को उजागर करने वाले होंगे, आपको भी कुछ बड़ा बेनिफिट मिलने की पावरफुल प्रोबेबिलिटी बन रही है। धनु राशि के लिए फल शुभ नहीं है, चौथे स्थान के अंदर सूर्य है, शुक्र स्थान के अंदर इतना उग्र ग्रह जो है, ये थोड़ी देर हम धूप के अंदर खड़े रहते हैं तो भी हमको बहुत पसीना हो जाता है, गर्मी सहन नहीं होती है, तो इतना जो तेज है ये भी इतना सुकून देने वाला नहीं है, यह तो सुखकारी नहीं है। तो चौथा स्थान है, ये सुख स्थान है, यहाँ पर इतना उग्र ग्रह का बैठना रिलेशनशिप में, माता पिता, जॉब में अपर लेवल, विवाहित जो जातक हैं इनको अपने इन लॉस, ये सब के साथ भारी प्रॉब्लम तनाव क्रिएट करवाने वाला बन सकता है। तो धनु में मूला के लिए सूर्य अति मित्र नक्षत्र में होंगे, धनु राशि वाले जातकों के लिए जो सूर्य हैं ये मूला के लिए अति मित्र नक्षत्र में होंगे, पूर्व षडा के लिए मित्र तारा के अंदर होंगे, लेकिन उत्तरा षडा के लिए ये वध नक्षत्र है, तो आपको बहुत केयरफुल रहना होगा, आपको कम्युनिकेशन में बहुत केयर करना होगा, अपने से बड़ों के साथ, अपने से बुजुर्ग के साथ, गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर में, जॉब में अपर लेवल के साथ कुछ गड़बड़ ना हो उसका आपको केयर करना होगा। मकर उत्तरा षडा के लिए ट्रांजिट पराक्रम स्थान में है, लेकिन वध नक्षत्र में है, तो कम्युनिकेशन में अपने भाई बहन, अपने नेबर्स, या जैसे हमने बताया कि सूर्य के अंडर में आपके अपर लेवल आते हैं, फादर आते हैं और अपने बुजुर्ग आते हैं, ये सब के साथ आपको जो है कम्युनिकेशन में केयर करना होगा, अन्यथा भारी तनाव क्रिएट हो सकता है। मकर श्रवणा के लिए साधक नक्षत्र है, तो एक्सीलेंट सक्सेस है, आपको कुछ बड़ा लाभ मिलने की, या तो बड़ा वेंचर करने के लिए ये आपको प्रेरित करेंगे। मकर धनिष्ठा के लिए प्रत्यारी है, ऑपोजिशन होगा, कहाँ से होगा, आपके भाई बहन या आपके नेबर्स के साथ होगा। तो कुंभ कनिष्ठा के लिए फल क्या होगा, कुंभ धनिष्ठा के लिए जो सूर्य धन स्थान के अंदर होंगे, तो पारिवारिक सदस्यों के साथ आपका भारी ऑपोजिशन हो सकता है,
और कुंभ शतभिषा के लिए एक सैम तारा है, तो आपके लिए सुंदर है, आपको कुछ बड़ा लाभ मिलने की प्रोबेबिलिटी है। कुंभ पुरु भाद्रपद के लिए ये विपद नक्षत्र होगा, तो वाणी में सैम बरतना होगा, खास करके कुटुंब के अंदर, अन्यथा आपको भारी तनाव आ सकता है पारिवारिक मामलों को लेकर या फाइनेंशियल मैटर को लेकर। और बात करेंगे मीन पुरु भाद्रपद के लिए, सूर्य आपकी ही राशि के अंदर है, विपद नक्षत्र में है, तो आपके लिए भी कुछ टेंशन तनाव क्रिएट हो सकता है। आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में आपको विशेष केयरफुल रहना होगा। मीन उत्तर भाद्रपद के लिए संपत्ति नक्षत्र है, तो आपको अपने पार्टनर से लाभ रहेगा। मीन रेवती के लिए जन्म तारा है, तो आपके लिए सुंदर फल रहेगा इसका, आपको भी अपने पार्टनर से लाभ मिल सकता है। लेकिन मीन राशि वाले तमाम जातकों को, क्योंकि सूर्य बहुत उग्र ग्रह है, तो आपको अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो उसका केयर करना होगा। मीन राशि के रेवती नक्षत्र की सूर्य की शांति के लिए, जैसे हमने बताया कि फीडिंग टू एलिफेंट, और एलिफेंट आपके आसपास में आदि कहीं अवेलेबल नहीं है, तो आप गाय को अरवला मूंग सफ़ेद तिल गुड़ मिक्स करके खिला सकते हो। दिन में 3 बार सूरज का दर्शन करें, सुबह में, दोपहर में 12 से 1 के बीच में, बिफोर सनसेट, सूर्य अस्त होने से पहले। पर्सनल हॉरोस्कोप रीडिंग करने के लिए यदि आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप नीचे बताए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके हॉरोस्कोप कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मिलते हैं एक और नए प्रेडिक्शन में जल्दी। श्री गणेश जी, हनुमान जी, द्वारकाधीश हम सबके ऊपर कृपा करें, ऐसी शुभकामना, शुभ भावना के साथ मिलते हैं जल्दी। नमस्कार।